नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। प्रदेश में उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बनी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही दलों को अपनों से भीतरघाट का डर सता रहा है। तमाम सियासी अटकलों के बीच यहां का मतदाता मौन है। हालांकि अब यहां चुनाव प्रचार पूरे चरम पर पहुंच गया है। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भाजपा के असंतुष्ट लादूलाल पितलिया और उनके समर्थकों की नाराजगी से जहां भाजपा नेता चिंतित हैं, वे डैमेज कंट्रोल करने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे पूरी तरह भुनाने की कोशिश में है। दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ स्थानीय मुद्दे और प्रकरण तलाश कर लोगों में प्रचारित कर रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ धरने और प्रदर्शन कर राजनीतिक लाभ की कोशिश भी हो रही है। यूं तो यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है, लेकिन रालोपा उम्मीदवार दोनों के मतों में सेंध लगा रहे हैं। मतदान के 3 दिन शेष रहने से सबसे चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अब बड़ी सभा करने के बजाय घर घर जाकर जनसंपर्क पर जोर है। पिछले दिनों हुए घटनाक्रम से पितलिया के समर्थक नाराज हैं। इनमें से कई विहिप और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। बजरंग दल के विद्या प्रसाद जोशी और भाजपा के पार्षद के पति कन्हैया लाल माली का कहना है कि चुनाव में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही। कार्यकर्ताओं में असंतोष देखकर वरिष्ठ नेता ये कहकर उन्हें मानने में जुटे हैं कि वे आपसी मतभेद और स्थानीय उम्मीदवार को देखने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखें। जीत से मोदी सरकार के फैसलों, नीतियों और राष्ट्र मुद्दों को जन समर्थक मिलेगा। क्षेत्र में भाजपा के अधिकांश होर्डिंग्स में प्रत्याशी रतनलाल जाट के फोटो के साथ लादूलाल पितलिया और पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे रूपलाल जाट के फोटो भी लगे हुए हैं। गौरतलब है कि रूपलाल जाट के छोटे भाई बद्रीलाल जाट रालोपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस भी यहाँ स्थानीय गुटबाजी से भीतरघाट को लेकर चिंतित है। कांग्रेस को यहाँ अपनों से डर सता रहा है। यही कारण है कि चुनाव में यहाँ प्रदेश के 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री और 3 दर्जन से ज़्यादा विधायक सक्रिय हैं। वे यहाँ स्थानीय विभिन्न समाजों और संगठनों से ये लगातार संपर्क रहे हैं। पंचायत स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दे रखी है। कांग्रेस यहाँ पार्टी उम्मीदवार की जीत को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीतियों और सरकार के कार्यों में विश्वास बता रही है। गंगापुर कस्बे में प्रवेश करते ही पूरा बाजार और रास्ते कांग्रेस, भाजपा और रालोपा के झंडे, बैनर और पोस्टर से अटा हुआ नजर आता है। कई जगह एक ही बिजली के खंभे पर तीनों ही दलों के झंडे लगे हुए हैं। ऐसा ही नज़ारा रायपुर में नजर आया। रायपुर में चाय की दुकान पर बैठे कुछ लोगों से चर्चा की तो गणेश माली बोले, चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। इस बार यहाँ पानी, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य हुए। तभी उनके बात काटते हुए पालरा के अम्बाला लाल तेली बोली, यहाँ भाजपा जीतेगी। लोग राष्ट्र मुद्दों और राम मंदिर के निर्माण के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। राजो पंचोली का कहना था कि दोनों ही दलों में टक्कर है, दोनों ही दलों में अंतुष्ट अंदरखानी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्ष 2018 में पुलिस भर्ती के 1600 से ज्यादा पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवक 3 दिन से रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी त्रिवेदी के घर पर सामने अनशन और धरने पर बैठे हैं। ये युवक प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं। उनका कहना था कि वर्ष 2018 में 13,142 पदों में से 11,600 पद ही सरकार ने भरे, अभी 1600 पद खाली हैं। सरकार इन पदों को प्रतीक्षा सूची से भरे। यहां धरने वाले सभी युवक पुलिस भर्ती के लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के घर के बाहर धरना देने के कारण के बारे में उनका कहना था कि सरकार के कई मंत्री और विधायक सहाड़ा रायपुर क्षेत्र में हैं, ऐसे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे यहां अनशन पर बैठे हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।